बिना नॉमिनी के भी मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकल सकते हैं। और वो कौन से तरीके से हम निकाल सकते हैं, कौन सा टाइप से निकाल सकते हैं, यह जानकारी हम जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे, अगर किसी खातेदारक की मृत्यु हो जाती है, जिसका बैंक में अकाउंट है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक खाते में रखे पैसे का क्या होगा। अब हर एक को सवाल होता है कि अगर खातेदारक की मृत्यु हो गई तो उसके बैंक खाते में जो जमा पूंजी है उसका हम क्या करेंगे विदाउट नॉमिनी, और वो भी ऐसी स्थिति में जब खाते में कोई नॉमिनी न हो, नॉमिनी का नाम ही न लिखा हो। तो चलिए हम जानेंगे कि अगर विदाउट नॉमिनी बनाए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आगे हम पैसे कैसे निकाल सकते हैं। अब नॉमिनी है तो पैसे कैसे ले सकते हैं। दरअसल कई लोग, खास तौर पर बूढ़े बुजुर्ग, अपने बैंक खाते में नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं, नॉमिनी का नाम नहीं लिखते हैं, तो उन्हें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। अगर आपने अपने बैंक खाते में नॉमिनी जोड़ा है तो खातेदारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को पैसे निकालने के लिए दो विटनेस चाहिए होते हैं। अब विटनेस के अलावा बैंक में खाताधारक की मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होता है, यानी डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है, और असली सर्टिफिकेट दिखाना होता है। इसके बाद पूरी प्रक्रिया हो जाती है और फिर नॉमिनी को खातेदारक के पैसे मिल जाते हैं। अगर नॉमिनी नहीं है तो ऐसे स्थिति में पैसे हम अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर किसी खातेदारक की मृत्यु हो जाती है जिसमें कोई नॉमिनी नहीं है, तो ऐसे स्थिति में कोई व्यक्ति उस मृत व्यक्ति के बैंक खाते में रखे पैसों पर दावा करता है, तब इस व्यक्ति को लंबी कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। अब दरअसल लंबी कानूनी प्रक्रिया से मतलब है कि दावा करने वाले व्यक्ति को विल यानी वसीयत या फिर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी कि लीगल हेयर सर्टिफिकेट बैंक के समक्ष दिखाना होता है। अब इसके बाद एक गहन जांच होती है, बैंक वो डॉक्यूमेंट का जांच करती है और तब जाकर यह तय किया जाता है कि दावा करने वाला व्यक्ति दावेदारी के लिए सही है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू।